Very good morning, teacher. I am a student of class 4th. So this is the subject computer, and we will proceed in new chapter, that is hardware and software. All right. This is a book, computer skill, and chapter 2nd. That's name is hardware and software. Students, so open the page number 10. Let's see what is in. We should have a clear idea about the organization of a computer. Let us कैटेगरी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर के बारे में हमें पता है कि किस तरीके का होता है, कैसे कितने उसके जनरेशन्स होते हैं, क्या क्या उसमें पार्ट्स यूज़ होते हैं बनने में, और किस किस जनरेशन में क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुए हैं डिफरेंट जनरेशन के कंप्यूटर बनने में. तो आइए हम देखते हैं कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को असेंबल होने में हेल्प करते हैं. ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, हार्डवेयर. सेकेंड है सॉफ्टवेयर. थर्ड है फर्मवेयर. फोर है स्किनवेयर. एंड फाइव है ह्यूमनवेयर. ठीक है, आज हम दो पढ़ेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है. सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं. ओके, हार्डवेयर, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर. ओके, जो दिखता है कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. और वी कैन से दैट ऑल द पार्ट्स लिंक्ड इन और आउट विद द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर. ठीक है, और जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर में इन होते हैं, मतलब लगे होते हैं, चाहे वो वायर हो किसी चीज़ का, या क्या बोलते हैं कि, या कैसे भी इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कीबोर्ड हो, ठीक है, जॉयस्टिक हो, जितनी भी चीज़ें इसमें अटैच होती हैं कंप्यूटर में, सीपीयू में या मॉनिटर पे. ठीक है, मॉनिटर पे जनरली कैमरा होता है लगा हुआ, तो ये सभी क्या है, हार्डवेयर होते हैं. ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, माउस एंड ऑल द कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, ये आपका हो गया हार्डवेयर. समझ में, जो भी चीज़ कंप्यूटर में अटैच होती है, ठीक है, उसको हम, जितने भी पार्ट्स उसमें अटैच होते हैं, उन सभी को हम एक साथ मिला के कंप्यूटर बोलते हैं. लेकिन अलग अलग क्या बोलेंगे हम उनको, हार्डवेयर बोलेंगे. ठीक है, सम ऑफ द हार्डवेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर लाइक सीपीयू. कुछ जो हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर, दैट वी कॉल सीपीयू. इफ सीपीयू, विदाउट CPU कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. CPU के बिना कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज और रिपेयर द हार्डवेयर पार्ट. ठीक है, आप क्या चेंज भी कर सकते हैं हार्डवेयर के पार्ट को, और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं ईजली. सम ऑफ द हार्डवेयर आर ऑप्शनल लाइक जॉयस्टिक. कुछ हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में, वो ऑप्शनल होते हैं. उनको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, उसे कंप्यूटर के सिस्टम के वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, यू कैन ईजली डिटैच द हार्डवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर. ठीक है, और हार्डवेयर को आप ईजली कंप्यूटर से डिटैच कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये अलग अलग तरीके के हार्डवेयर दिखा रहे हैं. इसमें फ्लॉपी है, माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, और इंटेल कोर है i7 का. ठीक है, और प्रिंटर है इसमें. ठीक है, ये सभी क्या है, ये हो गए आपके हार्डवेयर हो गए कंप्यूटर के. ठीक है, सॉफ्टवेयर देखिए क्या है. सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको जो कि फंक्शन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब हम कोई एक वर्क या फंक्शन उसके लिए सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर. ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ जो आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी, ये सब के सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है. ठीक है, यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज़ दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी और टच. ठीक है, सॉफ्टवेयर भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिसको कि हम ना छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. ठीक है, इट प्रोसेस आवर डेटा बट वी कैन नॉट सी इट वर्किंग. ठीक है, ये हमारे डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बट हमें वो दिखते नहीं है. ठीक है, वो इंटरनली होता है कंप्यूटर के सिस्टम में, मदरबोर्ड में. कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्रोग्राम. ठीक है, कंप्यूटर जो कि है, वो सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, बस एक हार्डवेयर रखा हुआ है, कोई उसमें प्रोग्राम नहीं दिया हुआ है, तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा.
सो द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट, इफ़ द सॉफ्टवेयर फेल्स द कंप्यूटर इज स्टॉप. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कंप्यूटर का. अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, काम नहीं करेगा. ये देख सकते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है. जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं उसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो उसमें चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करता है कंप्यूटर में. टैली है, ये कैस्पर की है लैब. ठीक है, ये NPAV नेट प्रोटेक्टर, क्विक हील, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है बच्चों, ये और ये जब हम इंटरनेट चलाते हैं कंप्यूटर पे तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ वायरसेस के आ जाने की वजह से कंप्यूटर की क्या स्पीड स्लो हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए ये दोनों चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये अबोर्ड है और ऑटो डेस्क है, ये सब क्या है, लिखने की चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को, ये फाइल को खोलने के लिए या किसी लिखने वाले काम को करने के लिए. सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट भी आपका वही चीज़ काम करता है. ठीक है, ये सब क्या है सुन हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है. ठीक है, इसके आगे का हम फर्मवेयर और स्किनवेयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स.